आज के सत्संग में परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि जब भी हम एकांत रूप में प्रभु की आराधना करते हैं तो उसे उपासना कहा जाता है, यानी कि प्रभु के समीप आसन ग्रहण करना। लेकिन उसमें अधिकतर होता ये है कि लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उपासना में कम लग पाता है, ईश्वर में कम लग पाता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में आसपास के जीवन में ज़्यादा लगा रहता है। इसीलिए संतों ने सत्संग की स्थापना की, व्यवस्था की कि जब एक साथ एक समूह में हम सब सत्संग करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, यानी कि सत्संग ईश्वर की उपासना करेंगे, तो न किसी ना किसी व्यक्ति का मन तो लगेगा और उसे देखकर अन्य किसी व्यक्ति का मन अवश्य लगेगा और एक से एक दीपक जैसे जलता है उस तरह से दीपक की तरह से हम लोगों में सब में उपासना करने का भाव आ जाएगा और सबकी उपासना बनने लगेगी, सबकी आराधना उपासना शुरू हो जाएगी, सबका ध्यान लगने लगेगा और सामूहिक ध्यान का लाभ एकांत ध्यान से वैसे भी ज़्यादा ही होता है और गुरु के समक्ष ध्यान का तो लाभ बहुत होता है। तो आज के गुरुदेव के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए कि सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें ताकि अपने जीवन का और अपने सहयोगियों के जीवन का भी उद्धार हो सके, सभी का ध्यान भजन बन सके। ओम श्री गुरुवे नमः।